जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। आज बहुत ही बड़ा दिन है, वाल्मीकि प्रगट उत्सव, जिसको हम भारत संस्कृति में जो सब देवताओं के पार ब्रह्म परमेश्वर परम पिता परमेश्वर वाल्मीकि महाराज जी का आज प्रगट दिन है। ये प्रगट दिन है क्या, जो लोग बोलते हैं कि वाल्मीकि महाराज का जे आज जन्म दिवस है तो उसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन वास्तव में हम उनको जन्म दिवस नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वाल्मीकि महाराज जी ने किसी कथा अनुसार किसी को ज्ञान देने के लिए अपना शरीर धारण किया था, वो भी कहां पर, जिसको आप भारत वेदों में, भारतीय वेदों में, ग्रंथों में संग्रीला घाटी के नाम से जानते हैं। पावन योग वशिष्ठ में इसका उल्लेख बताया गया है। पावन योग वशिष्ठ में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी महाराज, ये तीनों ही उस वक्त वो वर्क काम कर रहे थे, वो वर्क कर रहे थे जो परमात्मा ने पार ब्रह्म परमेश्वर वाल्मीकि जी महाराज ने इनको बताया था। अगर हम पावन योग वशिष्ठ के माध्यम से जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक बेटा हुआ था जिसका नाम अग्नि शर्मा था, और अग्नि शर्मा का एक बेटा हुआ था जिसका नाम भरद्वाज था, और भरद्वाज जब शिक्षा दीक्षा के काबिल हुआ तो उन्होंने अपने पिताजी को बोला, मुझे वो गुरु चाहिए जो ना उसका जन्म हुआ हो और ना ही वो कभी मर सके, तो मुझे बताइए पिताजी ऐसा कोई गुरु है। तो अग्नि शर्मा जी ने बोला कि हे तात, हे वत्स, तुम्हारे जो दादू हैं, जो तुम्हारे पिता माँ हैं ब्रह्मा जी, वो इसका हल निकाल सकते हैं। तो भरद्वाज उस वक्त ब्रह्मा जी के पास गए और अपना उन्होंने परिचय दिया वहां पे, जिसको आज आप लोग इंट्रोडक्शन भी बोलते हैं। तो इंट्रोडक्शन वहां पे दिया, जब तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने जब बोला कि बेटा बताइए आपका प्रश्न क्या है, आप क्या चाहते हैं, तो उस वक्त भरद्वाज ने यो प्रश्न अपने पिताजी से किया था कि मुझे गुरु वो चाहिए जो ना जन्मा हो ना वो मरा मर सके। तो इसलिए तो ब्रह्मा जी ने फिर उनको बताया कि बेटा, जब पूरे ब्रह्मांड का, पूरे संसार का, जब पूरे ब्रह्मांड का, पूरे संसार का एक पृथ्वी का चक्कर खत्म होता है, जिसको हम 365 दिन कहते हैं, तो मेरा एक घंटा खत्म होता है, यानी कि उनका उम्र का एक घंटा समाप्त होता है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने यह बात टालते हुए भरद्वाज जी को विष्णुपुरी में भेज दिया, भगवान विष्णु के पास। तो विष्णु जी के भी यही विचार थे, उन्होंने पूछा कि बेटा क्या करने आए हो, तो भरद्वाज ने वही प्रश्न दोहराया जो उन्होंने ब्रह्मा जी के पास दोहराया। तो विष्णु जी ने भी वही जवाब दिया कि बेटा, मुझे संसार के वो काम दिया गया है जो मुझे हर बार करना है, और हर बार माँ के गर्भ से मुझे जन्म लेना है और शरीर त्यागना है, इसलिए जन्म मरण के इस चक्कर में मैं भी हूं, तो इसलिए बेटा मैं तेरा गुरु नहीं बन सकता हूं, आप देवों के देव महादेव के पास जाइए। तो जब वो बच्चा भरद्वाज ब्रह्मा जी के कहे अनुसार, विष्णु जी के कहे अनुसार, देवों के देव महादेव कैलाशपुरी में जाते हैं, तो कैलाशपुरी में जाके वो शिवजी भगवान के आगे अपने नतमस्तक होकर अपना प्रश्न रखते हैं, तो शिवजी भगवान ने उनको निराश नहीं किया वहां पे, क्योंकि वह रुद्र हैं, और रुद्र होने के अनुसार उन्होंने उस वक्त भरद्वाज को तपस्या के लिए कहा। जब उन्होंने तपस्या की और पार ब्रह्म परमेश्वर का अध्ययन किया, वहां पे ध्यान किया, तो पार ब्रह्म परमेश्वर उनकी तपस्या से खुश होकर वाल्मीकि महाराज वहां पे प्रगट हुए। जब प्रगट हुए वो ही दिन इसी महीने जिसको हम कोजागर पूर्णिमा कहते हैं, तो उसी के उपलक्ष में हम वाल्मीकि प्रगट उत्सव मनाते हैं। तो भरद्वाज का वहां पे उन्होंने कल्याण किया, ठीक। तो ये कथा है पावन योग वशिष्ठ के अंदर। और वहां पे एक आपको बात बता दूं कि भगवान शंकर ने भी वहां पे भरद्वाज को कुछ दोहराया था। वो बात क्या दोहराई थी, यो लोग ये मानते हैं कि आदि अनंत शिव हैं,
लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि देवों के देव महादेव को वहां पे वाल्मीकि महाराज जी से वरदान मिला था जब उन्होंने कंठ में जहर रखा था, और इसीलिए उनको अमर समझा जाता है। लेकिन सबसे कम उम्र बाबा देव, सबसे ज्यादा उम्र तीनों देवों में बाबा भोलेनाथ की है, क्योंकि उनकी मेहनत पूजा भक्ति को देख करके ही पार ब्रह्म ने उनको ये वरदान दिया था। तो इसलिए जब पूरी सृष्टि का, जब ब्रह्मा जी का एक घंटा खत्म होता है तो शिव जी महाराज का एक पल खत्म होता है। तो ये कथा जो है हमारे पावन योग वशिष्ठ में बताई गई है कि वाल्मीकि महाराज प्रकट हुए थे, वो जन्म और मृत्यु से परे थे। ये मैं सबको बताना चाहूंगा कि संसार में जब भी पूर्णमासी आती है लोग पूर्णमासी का व्रत रखते हैं। नारायण, नारायण का मतलब होता है नर मैंने आदमी, आयन मैंने पानी। जो आदमी पानी के ऊपर प्रगट भी हुआ हो, तो संगरीला घाटी उस वक्त पानी से भरी हुई थी, तो उस वक्त उन्होंने पार ब्रह्म परमेश्वर ने कमल के फूल के अंदर खुद को नर और मादा कमल के अंदर पैदा करके खुद अपने शरीर को धारण किया। ये कथा है वाल्मीकि महाराज के प्रगट उत्सव की। अगर यदि किसी को मेरी बात बुरी लगी होगी तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन ये सत्य है। पावन योग वशिष्ठ का अध्ययन करिए, आपको पता चल जाऊंगा। जैसे कि मैं अभी आपको एक बता दूं कि बहुत ही मोक्ष ज्ञान है, तो उसमें आपको मैं एक चीज बताता हूं। वाल्मीकि अक्षर माला में लिखा गया है आप ही तीनों लोकों के आदि निर्माण कर्ता स्वयं प्रभु हैं, आप ही सिद्धों और साधुओं को आश्रय देने वाले हैं, महाप्रभु हैं। चंद्रमा और सूर्य आपके दोनों नेत्र हैं, और हे देव आप सृष्टि के आदि और मध्य और अनंत तीनों में विराजमान रहते हैं। आप ही सृष्टि कार और आप ही ओंकार हैं। आप सभी श्रेष्ठों में श्रेष्ठ हैं। आप कब उत्पन्न प्रकट होते हैं और कब आप लोप होते हैं और आप कौन हैं इसे कोई भी नहीं जानता है। संपूर्ण ज्ञान विज्ञान के भूत भविष्य वर्तमान कुछ भी नहीं है। संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब आप ही हैं। संपूर्ण जगत आपका शरीर है, पृथ्वी आपकी स्थिरता है, अग्नि आपका कोप है, चंद्रमा आपकी प्रसन्नता है, और यो भक्त आप पुराण पुरुष आदि पुरुष और अविनाशी देवता का भजन करते हैं, आपके उन भक्तों के मन रथ इस लोक और परलोक सब जगह सफल होते हैं। ये श्रुति पुरातन इतिहास रूप स्त्रोत्र को जो पढ़ेगा वह जन्म मरण के दुख से छूट जाएंगे, और उनका भी प्रभाव उनका कभी भी प्रभाव कम नहीं होगा। तुम त्रिकालदर्शी हो मुनिनाथा, विश्व विद्र तुमरे हाथा। ये वाल्मीकि जी महाराज के मुख से निकले हुए, वाल्मीकि कलम से निकले हुए वो शब्द हैं जो तुलसीदास रामचरित्र मानस में भी बताया गया है। जब श्री रामचंद्र जी ने पार ब्रह्म परमेश्वर वाल्मीकि महाराज जी के दर्शन किए थे और उनको दंडवत पर नाम करते हुए उन्होंने बोला था तुम त्रिकालदर्शी हो मुनिनाथा, सब विदर विश्व सब तुम्हारे हाथ। इसका मतलब यह हुआ कि वहां पे भगवान श्री राम वहां पे प्रभु वाल्मीकि महाराज की स्तुति कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आप तीनों लोकों के, तीनों कालों के, आप पूरे ब्रह्मांड के जानने वाले हैं, आप मुनि नाथा हो, आपको मेरा सादर प्रणाम है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वाल्मीकि जी वास्तव में पार ब्रह्म परमेश्वर है, जो सब देवों को, 13 देवी देवों को अपनी शक्तियां प्रदान करते हैं
उन 13 देवी देवों को अलग अलग उनको डिपार्टमेंट दिया है। जैसे आज हम कोई वर्क करते हैं या काम करने जाते हैं ना, तो उस वक्त हमें भी अलग अलग, जैसे पीएचई डिपार्टमेंट अलग है, मेडिकल अलग से है, पुलिस डिपार्टमेंट अलग से है, आर्मी को अलग से दिया हुआ था, ऐसे ही अलग अलग से 13 देवी देवों को भी सृष्टि का संचालन करने के लिए उन्होंने वो वर्कर रखे हैं जिनको हम देवता बोलते हैं। देवता भगवान से कम भी नहीं है, क्योंकि उनके पास भी शक्तियां उन्हीं की पार ब्रह्म परमेश्वर की है। तो मैं खुद भी देवों के देव महादेव का भक्त हूँ, तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि उस पार ब्रह्म शक्ति को प्राप्त और देखने के लिए आप लोग मेडिटेशन करो, इस ज्योत को जगाओ, जो ये होती है ये वाली ज्योति को ओपन करो, जलाने की कोशिश करो, उत्पन्न करने की कोशिश करो, फिर आपको पता चलेगा। और इन्हीं शब्दों से अगर मेरी किसी को, और मेरा ये कारण नहीं है कि किसी को मैं ठेस पहुंचाऊं, क्योंकि आज बहुत पावन दिन है, पूर्णमासी है, आज वाल्मीकि महाराज का प्रगट उत्सव है, तो मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। लेकिन पावन योग वशिष्ठ को जब आप अध्ययन करेंगे, आप मेरे सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। यह वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, और एक बार पूरे भारतवर्ष को, पूरे भारतीयों को सादर नमस्कार है। जय वाल्मीकि है, जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि।